अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वन स्टॉप सेंटर में अनंता मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया है और अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं ने अपना विचार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे महिलाओं के लिए कार्य किया जा सके। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय, जिला प्रोबेशन अधिकारी सरजीत सिंह सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आओ रे आओ रे खुशियाँ मनाओ रे, आ गए मेहमान सखी रे द्वारे हमारे, आ गए मेहमान सखी रे द्वारे हमारे, जैसी नीले अंबर में आरी बैठी जनता रे द्वारे हमारे, आ गए मेहमान सखी रे द्वारे हमारे, धन्यवाद। जिनके हम हमेशा आभारी रहेंगे कि हमने बहुत कुछ सीखा कि इनसे, जो सचिव साहब भी उपस्थित, तो मैं पूजा पांडे केंद्र प्रशासक वन स्टॉप सेंटर सभी अधिकारी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आखिर आखिर तो हमारा है पुलिस फैसिलिटी, लीगल फैसिलिटी मतलब कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, काउंसलिंग, शेल्टर और जो भी उनको रोजगार से संबंधित दिक्कत है उससे हमारा काम है कोऑर्डिनेट कराना, उनकी समस्याओं को सुनना और उसको जितने जिस हद तक हो उस हद तक संभव करना, उसको हल करना। अभी तक ये 2016 से 8 मार्च 2016 को गोरखपुर में इसका उद्घाटन हुआ था और तब से लेके अभी तक हमने 5000 से ऊपर केसेस में काम किया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने लगभग केसेस में, मैं पूरा तो नहीं कह सकती लेकिन हम 90% केसेस में सक्सेसफुल रहते हैं और हम उसके ग्रॉस रूट लेवल तक जाके सारी तकलीफें समझ के उनको समाधान प्रोवाइड करवाते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रगत रजत दम पग दल में, पीयूष श्रोत सी जगा करो जीवन के सुंदर समतल में, देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में, जीवित रहने नित्य विरुद्ध रहा, आंसू से भीगे अंचल पर अपना सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। शायद ये दिन हर साल हम ये नहीं कह सकते कि इस दिन को सीमित किया जाए, लेकिन ये दिवस हमारे जीवन में इसी सच्चाई को याद दिलाने के लिए आता है। महिला दिवस यानी हमारे सम्मान बराबर है, हम सम्मान डिजर्व करते हैं, हम अधिकार डिजर्व करते हैं और हम इस लायक हैं कि हम शिक्षित भी हो सकते हैं, क्योंकि रिश्ते के साथ साथ एक अगर हम बाहर निकलते हैं, जैसे मैडम जो है वो केंद्र प्रबंधक के रूप में, अधिकारी के रूप में सम्मान प्रदान करें। ढेर सारी तालियां इन पुरुषों के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हमारे अधिकारी श्रीमती तुलना दास गुप्ता जी से आई हुई महिला अधिकारी का बैच लगाकर स्वागत व सम्मान करें।
कविता लगे अपनी भारती की बेटी, कविता लगे अपनी भारती की बेटी, बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेंगी, बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेंगी, लेना देना दहेज को छोड़ो, लेना देना दहेज को छोड़ो, वरना इज्जत न कायम रहेगी, वरना इज्जत न कायम रहेगी, उस पिता के तो हृदय से पूछो, उस पिता के तो हृदय से पूछो, जिसके घर में कार्यक्रम के मैं उपस्थित सम्मानित विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव साहब श्री देवेंद्र जी, मेरे साथी अधिकारीगण, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत जी, महिला कल्याण अधिकारी श्री सरब जी, नेहरू युवा केंद्र के जिला प्रबंधक सीमा पांडे जी, स्मिता पटेल जी, यहाँ पे इस केंद्र के व्यवस्थापक एवं सभी साथी अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित हमारे महिलाओं के सभी उपलब्धियां हासिल करने वाले हमारे जनपद के गौरव और आज पुरस्कृत हो रहे सभी महिला साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज के दिन की तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैसे प्रकृति ने स्वयं निर्धारित किया है कि महिला और नारी हमारे पुरुष प्रजाति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, सशक्त है, स्वावलंबी है और दक्ष है और ज्यादा संवेदनशील भी है, तो इसलिए हर दिन आपका है और इस दिन में तो हम लोग उसको एहसास करते हैं। मैं तो बधाई देता हूँ हर दिन के लिए और एक उज्जवल भविष्य के लिए, सभी की कामना के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज मेरे पूर्व प्रवक्ताओं ने काफी बातें कही, बहुत सारे लोगों का संघर्ष की कहानियां और उनकी उपलब्धियां भी हमने जानी और दिन भर ये सिलसिला चालू रहेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे मीडिया के साथियों से इनकी कहानियां मुख्य समाचारों में जरूर आए और इनकी कहानियों से सुनकर अन्य महिलाओं को, अन्य लोगों को प्रेरणा जरूर मिले और ये सिलसिला लगातार जनपद में कायम रखे। एक प्रशासन के रूप में और शासन के रूप में हम लोगों को जो व्यवस्थाएं देनी है वो लगातार प्रयासरत करके हम लोग कर रहे हैं। हमने काफी संघर्ष देने, जीवन का संघर्ष जो महिला का होता है उसको महसूस करते हुए हमको आज के दिन ये तय करना है कि सुनियोजित तरीके से हम महिला संबंधित मुद्दों में किस तरह काम करेंगे और लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे, अगले पड़ाव कैसे हासिल करेंगे और ऐसे एक रूपरेखा और ऐसे एक वातावरण स्थित करेंगे कि हर महिला अपने अपने अवसर की समानता को प्राप्त करे, अपने अधिकारों को प्राप्त करे, एक खुशहाल जिंदगी को प्राप्त करे। इसके लिए हम कैसे काम करें, सभी प्रशासन और समुदाय को मिलकर काम करना है। इसीलिए हमें हर बार जैसे कोई अभियान चलता है, जैसे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, चुप्पी तोड़ो अभियान है, उसमें मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जनपद में प्रत्येक नागरिक, विशेषकर हमारे पुरुष जो आज यहाँ कम दिख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं संवाद करना चाहूंगा हमारे पुरुष भाइयों से, हमारे साथियों से, कि हमें ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और जागरूकता फैलानी पड़ेगी, प्रतिभागिता बढ़ानी पड़ेगी, हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी हम जो लक्ष्य है महिला संबंधित मुद्दों में जो शासन ने निर्धारित किया है उनको हम पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले जन्म से ही चुनौती, कन्या भ्रूण हत्या, मैं ऐसे जनपदों में भी काम कर चुका हूँ जहाँ पे जेंडर रेशो 800 से नीचे, यानी प्रकृति बोलती है 1000 बच्चों के सामने बच्चियां 1000 से ज्यादा पैदा होती है, लेकिन चंद मशीनों ने जो प्रकृति ने करोड़ों सालों से जो किया उसको अवक्रमित करने की जरूरत की है और वो अभी इस तरफ भी आने, पश्चिम से लेके इधर तक फैलने की जरूरत कर रहा है। क्या हमें
इन मशीनों को जीतने देना चाहिए या ऐसी आवाज उठा के चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा कि इन मशीनों को हरा के हमें कन्या भ्रूण हत्या को हमेशा के लिए समाज से मिटाना पड़ेगा। ये आप मुझे जवाब दीजिए, क्या हम इस लड़ाई को लड़े या ना लड़े? और अगर कहीं बहुत पावरफुल कानून है, ऐसा कानून है जहाँ पे अगर कोई बात होती है तो मजिस्ट्रेट जांच करके सीधा चार्जशीट होती है और उसमें हम लोग अभियोजन तंत्र को मजबूत करके हम लोग और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए समिति बनी हुई है, शासन ने योजनाओं दी गई है, धनराशि है, कमी कहाँ रह जाती है कि पहल की। अगर हमारे समुदाय के बीच में, हमारे परिवार के बीच में, हमारे मोहल्ले में ये बात होती है तो हम चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? मुझे जोरदार आश्वासन चाहिए आपसे कि हमारे जनपद में 900 से नीचे पहुंचने के कगार में आ रहा है कि जेंडर रेशियो, क्या हम इस ट्रेंड को रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या हम एक भी बच्ची को कुछ लोगों के अज्ञानता और शिथिलता और अनियमितता के शिकार होने देंगे या नहीं देंगे? तो अगली लड़ाई बच्चियों के टीकाकरण से लेके पोषण के लिए। क्या कोई बच्ची, क्या इतनी हमारी गरीबी है कि हम पोषण बच्चों को अनीमिया के शिकार या टीकाकरण से वांछित होने के शिकार होने देंगे? तो क्या हमें शासन द्वारा चलाई जा रही नियमित टीकाकरण अभियान, पोषण अभियान में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कदम बढ़ाने चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर कोई हमारे गांव में, हमारे गरीब मोहल्लों में कोई बच्चा कुपोषित होता है, सिर्फ उस परिवार, गरीब परिवार की जिम्मेदारी है, पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। हमें उस बच्चे को गोद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? शासन से लेकर सभी लोग हम लोग प्रयासरत है कि हमारा जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश का पहला जनपद बने जो कुपोषण से मुक्ति पाएगा। क्या इस अभियान में आप लोग अपने जितने भी साथी हैं उनको जागरूक करेंगे और ये जन अभियान बन सकता है? जिला कार्यक्रम अधिकारी और उनके पूरी टीम इसमें कार्यरत है। 18,000 बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया है और हमारा लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से हम चल रहे हैं, घर घर जाके दस्तक दे रहे हैं। बच्चों से संबंधित कार्यक्रम गोरखपुर महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो वन स्टॉप सेंटर बना है वहाँ पे हमारे जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं को सम्मान किया गया है और एक अच्छी कार्यशाला गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके तहत हम लोगों ने महिला संबंधित मुद्दों पे चर्चा भी की और जितने भी महिलाओं के मुद्दों पे कार्य करने वाले अपने अपने क्षेत्र के उपलब्धियाँ हासिल करने वाले महिलाओं की से उद्बोधन कराते हुए उनकी कहानियाँ सुनी और उनके संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में सुनते हुए प्रेरणा भी ली गई और बहुत अच्छे वातावरण में इस कार्यशाला को संपन्न कराया गया और साथ ही साथ विभिन्न पहलुओं पर सुनियोजित तरीके से कार्य करने के लिए कार्ययोजना भी विकसित की जा रही है और इसमें मैं बधाई देता हूँ सभी को जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त किया।